नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भक्ति द्वार टेलीविजन, भक्ति द्वार जीवन का सार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2020 राशिफल में मिथुन राशि के बारे में। अभी तक हमने मेष के बारे में जाना, वृषभ के बारे में जाना। आप जानते हैं हाल की मिथुन राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा, क्या कुछ उनको मिलने वाला है, क्या कुछ उनकी गलती की वजह से छीन सकता है, क्या शनिदेव करेंगे आपका कल्याण या कुछ अचीवमेंट देंगे, गुरु ग्रह क्या विवाह करा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके मन में आ रही होंगी, दिमाग में चल रहा होगा कि क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों, ये मंच है आपको सारी दुविधाओं से निकालने वाला मंच, इसलिए हमने इस भक्ति द्वार जीवन का सार जो टेलीविजन है, इसमें हमने पहल किए कि राशिफल आपको जानकारी मिले और कुछ ऐसे अचूक उपाय मिले जिससे आपका जीवन बदले। तो आइए दोस्तों, चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हम बात करेंगे कि मिथुन राशि में का ये जो भी नाम के लोग हैं उनका मिथुन राशि पड़ता है और मिथुन राशि के लिए क्या कुछ ये साल लेकर के आया है। आइए चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों देखिए, मिथुन राशि से अगर हम देखें तो जैसे कि हम हर बार बोलते आ रहे हैं कि प्लैनेट में सबसे पावरफुल जो प्लैनेट होता है वो गुरु ग्रह की स्थिति आपके सप्तम स्थान में है, राहु आपके लग्न स्थान में बैठा हुआ है और शनि भी आपके सप्तम स्थान में है। तो सबसे पहली बात है, गुरु जहाँ बैठते हैं सप्तम स्थान विवाह से संबंधित है, पार्टनरशिप से संबंधित है, पत्नी से संबंधित है और हमारी जीवन की जो हम काम करते हैं, क्योंकि दशम से ये दशम स्थान है तो गुरु का एक है जहाँ बैठते हैं वहां पर वो शुभ अच्छा नहीं करते और शनि जहाँ बैठते हैं वहां पर अच्छा अच्छा करते हैं। तो गुरु सप्तम में होना दोस्तों ये कुछ इतना अच्छा योग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि साथ में वहां पर केतु भी बैठा हुआ है तो और लग्न में राहु आया हुआ है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आपको अभी 23 जनवरी के बाद में आपके शनि ग्रह जो आएंगे वो अष्टम स्थान की ओर प्रवेश करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है कि पूरे वर्ष आपके राहु यहाँ पर, राहु जो आपका है 24 सितंबर तक आपके लग्न में ही बैठेगा। राहु एक ऐसा है दोस्तों, आपने कथा भी सुनी होगी कि राहु छल का कारक है, कपट का कारक है, क्योंकि देवताओं की श्रेणी में बैठ करके उन्होंने अमृत मंथन का पान किया था और तब से ही उनको एक श्रेणी दी गई, क्योंकि 7 ग्रह हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो राहु ने कहा हमारा क्या, तो इसीलिए भगवानों ने उनको अमृत का पान करने की वजह से दिन में उनको 1.5 घंटा दिया गया, जो सारे आप सब परिचित हैं जिसको कहा जाता है राहु काल। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो वही राहु आपके राशि में बैठ करके आपको चिंता, परेशानी, कलह और बहुत सारा टेंशन देने के लिए आ चुके हैं। और सप्तम में केतु है जो विवाह स्थान में बैठे हैं, तो परिवार में कहीं ना कहीं कलह, ये सारी चीजें आपको आप देख रहे हैं कि घिर रहे होंगे। तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो विवाह में आपके डेफिनेटली जिनका विवाह नहीं उनके विवाह में आपको परेशानी आने वाली है, तकलीफ आने वाली है। सिर्फ वो गुरु जब अष्टम की ओर प्रवेश करेंगे, और अभी तो सप्तम में है, तो सप्तम में अभी वो पूरे वर्ष यहाँ पर बैठने वाले हैं, तो विवाह आपको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अड़चने आ सकती, परेशानी आ सकती है, क्योंकि सप्तम में जहाँ बैठते हैं वहाँ पर वो नाश करते हैं। तो विवाह से संबंधित आपको थोड़ा सा दिक्कतें आती हुई दिखाई दे, पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा दिक्कत आते हुए दिखाई देगी। दूसरी बात करेंगे दोस्तों कि विद्यार्थियों के लिए ये साल कैसा होगा, तो विद्यार्थियों को बहुत परेशान करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आपके लग्न में राहु आया है और राहु अच्छा नहीं है जैसे मैंने बताया, तो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट की जरूरत पड़ेगी और आप इसी को इस साल को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ मानसिक चिंता दे देते हैं। अगर आपने पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं की कि मैं पास हो जाऊँगा, अगर आप इस वचनों पर चल रहे हैं तो आप गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपको इसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि राहु बहुत परेशानी देता है, चिंता देता है, कलह देता है और काम में विघ्न डालता है। तो पंचम स्थान में किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने की वजह से आपको बहुत परेशान करना पड़ेगा, वरना आप जैसा सोच रहे हैं उससे विपरीत आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आउट ऑफ इंडिया जा करके स्टडी का सोच रहे हैं तो वो शायद आपका इस साल मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो पेशेंस रखिएगा और अपना फोकस को थोड़ा बढ़ाइए। आ जाते हैं दोस्तों पार्टनरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जिन लोगों का पार्टनरशिप में व्यवसाय चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को लेकर के एक
मतभेद हो सकता है पार्टनरशिप में, जो 2019 में जो मतभेद शुरू हुए थे, तो 2020 में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसकी बोलेंगे कि आप सोच समझ के आगे पहल करिएगा। और जो लोग नए अगर सोच रहे हैं कि उनको कोई जीवन में कोई व्यक्ति मिला है जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि हम ये काम करते हैं मिलकर जुल के करते हैं, तो मैं सारे मित्रों अच्छे वाले लोग बोलना चाहूँगा कि आपको पार्टनरशिप ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको लॉस अवश्य होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 24 सितंबर तक आपके राहु यहीं पे लग्न में बैठने वाले हैं, तो 24 सितंबर तक आपको नया काम नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की अगर आप सोच रहे हैं कहीं पे, तो डेफिनेटली आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे पैसा अटकेगा, क्योंकि राहु का काम ही है छल कपट और कुछ ऐसे जीवन में व्यक्तियों के आपके भेज देगा, क्योंकि उनको तो लॉस कराना है। तो डेफिनेटली आपको ऐसा व्यक्ति कोई जीवन में मिल सकता है जो आपके पैसे का लॉस आपको दिला जरूर देगा, तो ये बात का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 24 जनवरी दोस्तों, 24 जनवरी को शनि देव धनु राशि से यहाँ से निकल करके आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको अढ़ैया शुरू हो जाएगी दोस्तों। अढ़ैया मतलब 2.5 साल की मनोती भी आप बोल सकते हैं, तो वो शनि के ही श्रेणी में आती है, जो 2.5 साल आपको परेशानी, मानसिक चिंता बढ़ेगी, कलह बढ़ेगा, काम में गति कम हो जाएगी, ये सारी चीजें आपके 2020 में थोड़ा होते हुए आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके अंदर भी जैसे हम बात करें अप्रैल मई जून ये महीने जो आपके रहेंगे, और उसमें खास करके 24 मई से 1 अगस्त का जो समय है मिथुन राशि वाले लोग के लिए, बुध वहीं पर आकर के बैठेंगे, तो बुध उनका खुद का घर है, तो डेफिनेटली जो 24 मई से लेकर 1 अगस्त का समय है उसमें आपके कार्य को गति मिल सकती है। उसमें अगर आप कुछ नया कार्य करें या फिर थोड़ा पेशेंस रखें, ये समय का इंतजार करें, तो मुझे लगता है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप परेशान हो बैठे हुए हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप में अगर आप देखेंगे कि वहां पर गुरु ग्रह बैठे हैं, शनि ग्रह बैठे हैं और केतु ग्रह बैठे हैं, तो पार्टनरशिप आपकी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो एक समय आप जरूर नोट करिएगा, 24 मई से लेकर के 1 अगस्त का समय, ये जो समय है इसमें आपके जो नए कार्य हैं उसको आप जरूर गति दें, क्योंकि ये समय बुध आपके ही राशि में बैठने वाला है, तो बहुत सारे द्वार आपके लिए सफलता के खोल सकता है। तो ये समय आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ये समय का इंतजार करिए और अपने कार्य को गति अवश्य दे सकते हैं। और दोस्तों गुरु यहाँ पर बैठे हैं आपके सप्तम स्थान में, सप्तम स्थान से वो यहाँ पर अवश्य दृष्टि डालते हैं, तो डेफिनेटली आपके छोटे भाई के घर में कुछ ना कुछ मांगल्य कार्य हो सकते हैं, कि बच्ची तो शादी हो सकती है, या फिर घर में कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जो उन्होंने अचीवमेंट किया, या तो घर ले सकते हैं, विवाह का कार्यक्रम हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसे धार्मिक आयोजन अवश्य आपको अपने भाई के घर पर देखने के लिए मिलेंगे। और भाई से अगर छोटे भाई से कुछ मतभेद भी है, तो गुरु यहाँ से दृष्टि करके वो जो काफी समय का परेशानी था, तो वो पैचअप भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और जो बंटवारा था परिवार में वो डेफिनेटली आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु अब यहाँ बैठ करके यहाँ पर आपकी दृष्टि करेंगे। दूसरा गुरु यहाँ बैठ करके यहाँ पर देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे, तो आपको ये बात तो पक्की है कि लाभ आपको बड़ी संख्या में तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपका राहु यहाँ बैठा हुआ है, साथ में शनि यहाँ पर आने वाले हैं 23 जनवरी के बाद में, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी तो आपको देंगे, लेकिन गुरु की यहाँ पर दृष्टि जो पड़ रही है वो छोटे छोटे लाभ के अवसर आपको अवश्य ही मिलेंगे, और उसमें आपको लाभ होते रहेगा। हम ये तो नहीं कहते हैं कि जितना आपने सोचा उतना मिले, लेकिन कुछ भी मिला वो भी एक अचीवमेंट ही है दोस्तों। तो आपके काम बंद नहीं होंगे बिकॉज ऑफ गुरु यहाँ पर होने की वजह से, लाभ स्थान को देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको कार्य मिलते रहेंगे, लेकिन छोटे पैमाने पे मिलेंगे, जिससे आपकी गाड़ी चलती रहेगी। उसके बाद में आप बात करते हैं दोस्तों कि गुरु 3 महीने के लिए आपके मकर राशि में भी जाने वाले हैं, तो अप्रैल मई जून ये जो 3 महीना, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये 3 महीने में आपका कार्य करें, अन्यथा आपको नहीं करना चाहिए, उसमें आपको सफलता नहीं आएगी। तो अप्रैल मई और जून ये 3 महीने आपके लिए बहुत शुभ है। या फिर कभी लोग ऐसे भी करते हैं कि घर उनको नया नहीं लेना लेकिन शिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली वो 3 महीने जो है जो हमने बताए उसमें आप अपना शिफ्ट भी आप हो सकते हैं। अब दोस्तों राहु यहाँ पर है, अढ़ैया चल रही है और केतु सप्तम स्थान में आए हैं, तो इसके लिए हम क्या कुछ ऐसा उपाय करें ताकि हमारा 2020 सुधर जाए और सारी हमको जो हमने सोचा है वो फलीभूत हो जाए।
तो आइए सबसे पहले उपाय नंबर एक की बात करते हैं। अगर आपको परेशानी बढ़ती आ रही है दोस्तों, तो आपको एक सूखा नारियल लेना है। सूखा नारियल पे आपको एक तिल के तेल का ऐसा एक टीका जैसे लगाना है, उसको काले कपड़े में बांध करके काले धागे से फिर आपको बांधना है और 3 बार क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से निकाल करके शनिवार के दिन अगर आप समुद्र या फिर आपके नदी अगर आपके आसपास छोटी है तो उसमें अगर आप प्रवाहित करते हैं तो डेफिनेटली आपकी परेशानी आपकी खत्म होगी। ऐसा आपको 11 शनिवार करना और महीने में ये सिर्फ 1 बार करना है, तो देखेंगे आपकी परेशानियों से आप जरूर निकलते हुए दिखाई देंगे। दूसरा हमने देखा है कि घर में जिनकी कलह बहुत हो गई है, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो रहा है, घर में कलह बंद होने का नाम नहीं होता है क्योंकि राहुल लग्न में, तो डेफिनेटली आप थोड़ा परेशान तो रहेंगे। तो कलह को खत्म करने के लिए आपको विष्णु मंदिर में जाकर के 5 दीपक आपको घी के लगाने हैं और ये प्रक्रिया आप दोबारा कर सकते हैं, तो देखेंगे आपके घर से कलह खत्म होगा। अगर आप विष्णु मंदिर नहीं जा पाए तो अगर आपके घर पे तुलसी है तो वहां पर 5 दीपक आपको उनके समक्ष लगाना चाहिए और उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे घर पर जो कलह है उसको मिटाए करके, ऐसा अगर आप प्रार्थना करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी सफलता मिलेगी कलह खत्म। आइए बात करते हैं दोस्तों कि ये जो मूवमेंट्स है आपका इंडिया का है, राहु है, केतु है, इससे आपके शत्रु ज्यादा पैदा होंगे। तो शत्रु तो जीवन में कहा जाता है कि शत्रु कर्जा हो तो इसको खत्म करना ही चाहिएगा। तो शत्रु के लिए हमें क्या करना है कि आपको शनि के 19,000 जाप करने हैं। अगर आप खुद करें संकल्प करके हर शनिवार को थोड़ा थोड़ा सा करके आप शनि के मंत्रों से अगर आप 19,000 अगर आप जप करते हैं, उसके बाद में उसका दशांश हवन अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर से शत्रु जो बाधा थी वो परेशानियां अवश्य ही खत्म होते दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि वाले लोग अगर सफलता जीवन में चाहते हैं, कौन नहीं चाहता सफलता है, लेकिन अगर आप सफल नहीं होंगे तो आपको परेशानी तो आएगी। तो सफल होने के लिए क्या रामबाण उपाय है उसके बारे में हम जान लेते हैं। रामबाण उपाय में ये है कि दोस्तों आपको शनि चालीसा का पाठ लगातार आपको करना है। अगर आप नहा करके शनि का अगर आप पाठ करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है। और वर्ष में 2 बार अगर शनि सिंगणापुर के अगर आप दर्शन करते हैं तो मान के चलिएगा कि आपके जीवन से शनि का जो ढैया है वो परेशानी नहीं होगी। और आप सारे लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ढैया में ही बहुत लोगों की उन्नतियां भी हुई है, क्योंकि शनि नियत का कारक है। तो अगर आपकी नियत सही है और सही तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो शनिदेव आपको डेफिनेटली ऐश्वर्यशाली जरूर बनाएंगे, लेकिन अगर आपकी नियत में खोट है दोस्तों तो आपको परेशानी अवश्य आने वाली है और बड़े पैमाने पर परेशानी आएगी। इसलिए आप शनि चालीसा का पाठ निरंतर आप शुरू कर लें और ये परिणाम आप 2-3 महीने में आप देखेंगे कि आपके उनके व्यवहार गति मिलेगी और आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको मनोकामना पूर्ण करना है, क्योंकि डेफिनेटली आपका चैलेंजिंग समय शुरू हो गया 2020 से, तो आपको क्या कुछ हम ऐसा करें कि हम जैसा चाहें वैसा, तो हम सारे मिथुन राशि वाले लोग को कहेंगे कि आप 2020 में जितनी भी एकादशी आने वाली उसका आप उपवास अवश्य ही करें, विष्णु मंदिर में जाकर के दर्शन करें, विष्णु सहस्त्र नामावली का अगर आप पाठ करते हैं, साल में 24 से 26 एकादशी आती है, ये पूरा एकादशी आपको करना चाहिए, डेफिनेटली भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों आपने जाना आपका हाल कि क्या कुछ आपके जीवन में 2020 में मिलने वाला है और क्या कुछ परेशानियां आने वाली है। हमें आशा रखते हैं दोस्तों आज का मिथुन राशि वाले लोग को हमारा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो डेफिनेटली आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम सब्सक्राइब के लिए बार बार बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारे एपिसोड आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, उससे आप वंचित ना हो, उससे आप अवगत आपको होता रहे और आपको समय समय पर पता चलता रहे कि क्या कुछ हम आगे करने वाले हैं, इसलिए आपको सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमें आशा रखते हैं ये 2020 आपके लिए मनोकामना आपकी पूर्ण है, सफलता आपके कदम चूमे, यही एक भक्ति द्वारा टेलीविजन का एक मोटो ने रखा है और वही चीज़ हम चाहते हैं कि आपका जरूर परिपूर्णता आप प्राप्त हो। तो दोस्तों इतना ही कहते हुए आपका जीवन मंगल में है, शुभ आशीष के साथ मैं राजेंद्र दुबे आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।